नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। घर में नहीं पैखाने, मुल्ला चले इतराने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत में गरीबों को कैश ट्रांसफर करने में मदद का ऑफर दिया है। इमरान ने खबर पर ट्वीट करते हुए कहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 34% घरों में लोग बिना सहायता के एक सप्ताह से ज्यादा समय तक नहीं चल सकते हैं। मैं भारत की मदद और ट्रांसफर प्रोग्राम को साझा करने के लिए तैयार हूं। इसका मतलब यह है कि जिसकी तयमंद सुखाने वाली रस्सी तक चीन को गधे बेचकर हासिल की गई है, वो मुल्ला टेक्निकल हो गया। पर हकीकत यह है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। 20 महीने के कार्यकाल में न विकास के काम किए, न पुल और सड़कें बनाई, न हॉस्पिटल का निर्माण किया, न नए लक्ष्य निर्धारित किए, न पुरानी योजनाएं ही पूरी की। इसके बावजूद एहसास प्रोग्राम का झंडा तयमंद में लपेटकर मदरसे के प्रांगण में गुटरगू हो रही है। एहसास प्रोग्राम के लिए 3,10,00,000 लोगों ने आवेदन किया था, मगर मदद केवल 80,00,000 लोगों को ही मिल पाई। शेष 2,30,000 जरूरतमंद किसकी खाट के नीचे पड़े हैं, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। मतलब दुकान करे पकौड़ों की और बात करे करोड़ों की। इमरान की असलियत की पोल हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स द्वारा कल अपलोड किए गए इस वीडियो की एक झलक से भी खुल जाती है। आइए देखते हैं इमरान खान के एहसास प्रोग्राम से जुड़ा ये वीडियो। बच्चे हैं छोटे छोटे और हुकूमत ने ऐलान किया था 12,000 रुपये देंगे आपको। आज 1.5 महीना हो गया, हमने वो मैसेज किया, मैसेज में यही जवाब आ रहा है, आज तक किसी ने पैसे नहीं दिए। देखिए, पाक के मदरसे का मुल्ला और हीरा मंडी का दल्ला दोनों अल्लाह जपते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, बाद में दोनों बार लौटते हैं तो कमर तीर कमान हो चुकी होती है। इमरान खान भी इन्हीं का भांजा है। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वाला यह लौंडा जब हुकूमत में आया था तो सादगी के बड़े बड़े दावे किए गए थे। अब 2 साल बाद सादगी का आलम यह है कि पाकिस्तान के ऊपर 15 अरब डॉलर का कर्ज थोप दिया गया, जबकि जो प्रगति दिखनी चाहिए थी वहां अब भी तयमन चोरी से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। बकौल हफीज शेख के रेवेन्यू में 800 अरब रुपए की कमी आई है। यह खुलासा भी हुआ है कि जिस निम्न वर्ग तक 12,000 रुपए पहुंचने थे, उनमें से 52% तक यह मदद पहुंची ही नहीं। पर बावजूद इस मदद प्रोग्राम के बेरोजगारी 18%, महंगाई 24% और ग्रोथ रेट -1.3% पर आ गया है। पाकिस्तानी रुपए की कदर लंगड़े गधे वाली हो चुकी है। यानी ये पहला कबड्डी है जिसका बेटा खिलाड़ी हो गया। ये भारत की मदद करेगा जिसे अपने फैसलों के लिए बाजवा और बुसरा की तरफ देखना पड़ता है। पर मामला केवल इतना नहीं है। अपने मुल्क में पिछवाड़ा असुरक्षित देखकर इमरान ने उसे मोदी के सामने मटकाया है। पूरे मुल्क में आवाज उठ रही है कि इमरान चारों सूबों में कोरोना पर नाकाम साबित हो चुके हैं। अब धीरे धीरे फौज का शिकंजा इमरान सरकार पर कसता जा रहा है। बाजवा ने अपने लेफ्टिनेंट को सरकार में एंट्री कराकर परोक्ष रूप से सत्ता अपने हाथ में ले ली है। वह खुद भी इकोनॉमी बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं। ऐसे में इमरान लोटे के पास सिवाय बकैती के दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।